Assalamualaikum. I am Sazubair before you. Today is our lecture number 7 from the unit number 2, which is about the rational number. Dear students, we have studied about the rational numbers and we have already done 2 questions from the exercise number 2A on page number 22. And we are doing the copy work, as you know. So today we do the next 2 questions, question number 5 and 6, which is also copy work. So let us start the question number 5, which is express minus 3 by 7 as a rational number whose numerator is 6. देखिए बच्चों, उसमें क्या कह रहा है, उन्होंने हमें एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें एक फिगर गिवन है माइनस 3/7, इसको और से लेके आप, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है और वो क्या कह रहा है कि इसके डिनोमिनेटर को 6 करना है। इस सवाल का मतलब ये कि 6 बनाना है, उसको कैसे बनाएंगे आप सॉल्यूशन में देखें। देखिए सबसे पहले हमें लिखना होगा इसी फिगर को बिल्कुल सेम टू सेम, माइनस 3/7 लिख लिया हमने, अच्छा, फिर इज इक्वल टू लाइन अप पे लगानी है। अब देखो आपने जो है पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्लासेस में क्वेश्चन किए हुए हैं ना, खासकर 5th में, उसी फार्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब देखें उनकी डिमांड क्या है, नीड क्या है कि इसके जो न्यूमरेटर है उसको 6 बनाना है, लेकिन यहाँ हमारे पास माइनस 3 है, ठीक है, माइनस 3 को ऐसे किस फिगर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। आपको पता है कि 3 2 6, ठीक है, आपको टेबल आते हैं ना, 3 1 3, 3 2 6, 6 आता है, 2 तो हमने लगा लिया यहाँ पे, अच्छा। अब यहाँ हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास माइनस साइन भी है, माइनस साइन हमारे पास है, तो माइनस को चूंकि हमें वहां हमने क्या कहा हुआ है कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे प्लस 6, माइनस 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मेरे पास माइनस 6 आएगा, अगर मैं इस माइनस को यहां नहीं लगाता हूं, 3 2 6 माइनस प्लस आर माइनस, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि प्लस 6 चाहिए हमें, ठीक है, तो प्लस 6 के लिए फिर मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा मुझे यहां लगाना पड़ेगा माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस तरह से 3 2 6 और माइनस माइनस आर प्लस, तो मेरे पास न्यूमरेटर पे 6 आ गया और ये हमें क्वेश्चन में कहा गया था। अब आपको पता है कि जब भी हम न्यूमरेटर में किसी फिगर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी हमें उसी फिगर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें और डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ दें, ये फिर बैलेंस नहीं होता और ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि वो फ्रैक्शन हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं आते जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये फ्रैक्शन माइनस 3/7 इस फ्रैक्शन के, ये भी एक फ्रैक्शन है, इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैसे हो गया कि हमने माइनस 2 को अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तो माइनस 2 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया है, तो यहां से तो हमारे पास 3 2 6 माइनस माइनस प्लस आ गया। अब देखिए 7 के पास हमारे पास जो साइन है वो है प्लस, ठीक है, 7 2 14 प्लस माइनस आर माइनस, तो इस तरह से 6/-14 हमारा आंसर होता है, सही, अच्छा। दूसरा हमारे पास गिवन क्या है कि -15 बनाए, -3/7 में न्यूमरेटर को क्या करना है, न्यूमरेटर को बनाना है -15 बनाना है, पहले हमने 6 बनाया है अब -15। देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर देखा गया है कि आप लोग माइनस साइन और प्लस साइन को अक्सर इग्नोर करते हो, लेकिन प्लस और माइनस साइन को आप कभी इग्नोर मत करें, क्यों, प्लस और माइनस साइन में इस तरह का फर्क है कि प्लस अगर हम ईस्ट की तरफ यानी मशरिक की तरफ जाते हैं तो माइनस फिर हमें मगरिब की तरफ यानी वेस्ट की तरफ ले जाता है, इतना फर्क है, ठीक है ना। देखिए ना, नंबर लाइन को अगर हम देखें, नंबर लाइन पे हमारे पास क्या है,
ये अगर नंबर लाइन है, ठीक है ना। अब देखें माइनस 15 अगर इस साइड पे है तो इस साइड पे क्या होगा, प्लस 15। इतना डिफरेंस है यानी लेफ्ट और राइट, तो इसको इग्नोर मत करें कि माइनस है तो बस ठीक है कोई बात नहीं। तो इसको आपने माइंड में रखना है कि हमारे पास क्या है, यहाँ माइनस भी है, तो माइनस 15 हमें चाहिए। यहां से जो माइनस थ्री है इसको बनाना होगा माइनस 15। तो सॉल्यूशन में देखें इज इक्वल टू लाइन लगानी है माइनस 3, वैसे हमने लिख लिया। अब आपको 3 का टेबल आता है कि 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, ये तो हो गया 3 5 15, ठीक है। लेकिन माइनस भी तो चाहिए हमें, तो 5 को हमने ऐसे लिखना होगा, यहां हमारे पास प्लस है, प्लस माइनस और माइनस। तो इस तरह से जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था, तो माइनस 15 हमारे पास आंसर में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर हम 5 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वी शुड मल्टीप्लाई 5 इन द डिनोमिनेटर, अदरवाइज द क्वेश्चन विल रॉन्ग, बिकॉज द फ्रैक्शन शुड बी इक्विवेलेंट। आपने पढ़ा पढ़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, अगर हम यहाँ 5 नहीं लिखते तो फिर ये फ्रैक्शन इसके इक्विवेलेंट है ही नहीं, इसका अलग आंसर है, तो फिर इक्वल टू कैसे हुआ। इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। इस इक्वलिटी को भी आप अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो ज्यादा काउंट नहीं करते। देखिए इक्वलिटी हम यहाँ जो इक्वल करते हैं, इक्वलिटी के साथ मतलब क्या है कि आपके दोनों साइड राइट और लेफ्ट को इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो नहीं कि हम यहाँ कुछ और फिगर लगाए या कुछ और लगाए बीच में इक्वल टू लगाए, ये तो इक्वल है वो तो नॉन इक्वल टू हो गया, ठीक है ना। तो इक्वल करने के लिए, इक्वल एंड फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको मैंने बताया दिया कि 5 अगर न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट शुड बी मल्टीप्लाई इन द डिनोमिनेटर। 3 5 = 15 माइनस 15 एंड फ्रॉम 7 5 35, इस तरह से वी गेट द माइनस 15 बाय 35 एंड माइनस 15 इज आवर आंसर, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन में हमसे मांगा था। अच्छा, अगर इसको आपने समझ लिया है तो फिर इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 को गौर से पढ़ें। अच्छा, दूसरी बात ये जो बहुत अहम है समझता हूँ, अक्सर हम लोग क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, जबकि आपको पता है कि अच्छा क्वेश्चन करना और क्वेश्चन को समझना आधा इलम के बराबर है, और ये हमारे सबसे पहले हमारे मजहब में है, इस्लाम में है कि सवाल समझ के करो और फिर सवाल को क्वेश्चन को समझो भी और फिर जवाब दो। तो अक्सर बच्चे तो क्वेश्चन लिखते भी नहीं है, वो कहते हैं डायरेक्ट में लिख दो क्वेश्चन को, पढ़ते ही नहीं ऐसे लिख लेते हैं। फिर जब पेपर में आपको आता है तो आप कहते हो जी ये तो हमें आता नहीं है, किया नहीं है, ऐसे वैसा समझाया नहीं है। तो बात असल में है कि आपको आता होता है लेकिन क्वेश्चन चूंकि आपने उस पर गौर नहीं किया होता, जब पेपर में आता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनको आता भी है और वो क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो मुख्तसर ये कि क्वेश्चन समझना आधा इलम है। सबसे पहले देखें वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस माइनस 2 बाय माइनस 5 एज अ रैशनल नंबर हूज डिनोमिनेटर इज 5। पहले क्वेश्चन में उन्होंने किस चीज की तरफ इशारा किया था, न्यूमरेटर की तरफ। अब वो किस तरफ बता रहे हैं हमें क्या करना है, किसको चेंज करना है, डिनोमिनेटर को, ठीक है। डिनोमिनेटर से मुझे बात याद आती, बच्चे अक्सर कहते हैं जी ऊपर वाला नीचे वाला, ये ऊपर और नीचे वाला कोई चीज नहीं होगी, जो फिगर लाइन के ऊपर है अबव है वो है न्यूमरेटर, जो फिगर इस लाइन से बिलो है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। बच्चे अक्सर कहते हैं ना ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर नीचे वाले से मीनिंग जो है वो गलत उसमें से निकाला जाता है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर को चेंज करना है किसमें, 5 में। किसके डिनोमिनेटर को, माइनस 2 बाय 5 के डिनोमिनेटर को 5 चेंज करना है, ठीक। सॉल्यूशन में देखिए माइनस 2 बाय 5 लिख लिया आपने, इज इक्वल टू लाइन लगा दिया माइनस 2 बाय 5 बिल्कुल जो का तो ऐसे ही आपने लिखना है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि हमने क्या बनाना है, हमने माइनस 5 को 5 बनाना है। तो यहाँ इतने क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया बन चुका होगा आपका, और ये तो वैसे भी क्लास 4 5 की रिवीजन है एक तरह से।
अब 5 1s are 5, ये तो आपको पता है, लेकिन अब यहाँ हमारे पास माइनस भी है, तो माइनस को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए हमें एक और माइनस की जरूरत होगी, तो 1 के साथ में माइनस भी लगा दूंगा, तो माइनस माइनस आर प्लस, और यही हूं कि हमारे क्या है क्वेश्चन में हमसे यही मांगा गया था। अच्छा नाउ व्हाट वी शुड इन द न्यूमरेटर, इन द न्यूमरेटर, इन द न्यूमरेटर वी शुड आल्सो मल्टीप्लाई माइनस टू विद द माइनस वन। ओके अगेन 2 1s are 2, माइनस माइनस आर प्लस, सो इन दिस वे वी गेट द आंसर -2/5, इन विच 5 इज आवर एक्चुअल आंसर, ये मैं हमारे मांगा था उनसे। अच्छा अगर इसको आप समझ गए तो फिर नेक्स्ट देखते हैं -15, अब डिनोमिनेटर को हमने -15 बना। ओके सॉल्यूशन में देखिए -2/5 आपने एज लिख लिया, जैसे दिया था वैसे लिख लिया एज यूजुअल, ठीक है -2/5 लिख लिया। अब 5 को अगर मैं 15 बनाना चाहूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, 5 3 15, 5 3 15, लेकिन चूंकि हमें -15 चाहिए यहाँ पे माइनस मेरे पास, तो माइनस प्लस आर माइनस, ठीक है। अच्छा अब 3 को जब मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सेम टू सेम 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर में 2 के साथ भी, 3 2s are 6, और माइनस जो है माइनस प्लस आर माइनस, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया -15, और ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया था, तो इस तरह से हमारे पास ये हमारा आंसर हुआ 4/4। ओके इसमें कोई नई बात नहीं है, सब एक रेशनल नंबर बताए हैं आपको, फ्रैक्शन दिया हुआ है, और बाकी अगर आप वो से देखें तो वही 4/5 वाला काम है कि हम जो फिगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यूं हम अपना आंसर जो है वो हासिल कर रहे हैं जो हमें मांगा गया था। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी मसला यहाँ पर आपका है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अच्छा अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एडिटिव इनवर्स। अच्छा एडिटिव इनवर्स क्या होता है देखें, अब इसको जरा आपने वो से देखना होगा क्योंकि ये चीज़ बहुत अहम है, वैसे तो ये छोटी छोटी बातें हैं और बहुत इजी हैं, अक्सर इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये चीज़ें जो है ना बहुत अहम है हमारे लिए, क्योंकि इस पर आगे हम जाके इंशाल्लाह आप जब आगे जाओगे एट में आपने को पता है ना आपने फिर 9th पढ़ना होगा और सारा 9th का कोर्स है फिर केमिस्ट्री बायो, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी, तो इसलिए यहाँ पे इसको बहुत मुख्तसर किया हुआ है, बहुत इजी से समझाया गया है, तो जरा इस पे गौर करें। When a number is edited to its additive inverse, when a number is added to its additive inverse, the answer is 0. ठीक है? अब देखें इस एग्जांपल को देखते हैं, फिर मैं दोबारा इसके डिफरेंशियल की तरफ आता हूं। देखिए ये हमारे पास फिगर है वन, ठीक है ना, इसका इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, वन का अगर ये प्लस वन है तो इसका माइनस वन, इसका एडिटिव इनवर्स होगा, और अगर ये माइनस वन है तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस वन होगा, यानी नंबर वही होगा फिगर वही होगा, सिर्फ साइन चेंज करने से उसका इनवर्स बन जाता है, लेकिन एडिटिव इनवर्स अगर आप साइन चेंज करते हैं तो ये एडिटिव इनवर्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें माइनस टू का 2 है, अब माइनस टू प्लस टू क्या होगा, आपको पता है 0 है, इस तरह 1 + -1 - +0, समझ गए ना। अब दोबारा आप आए डेफिनेशन की तरफ,
वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वन इफ व्हेन अ नंबर इज एडिट, अ नंबर ये इज एडिट टू इट्स एडिटिव इनवर्स, अ नंबर इज एडिट टू इट्स एडिटिव इनवर्स द आंसर इज जीरो। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है कि जब उस के नंबर के साथ जिसका ये एडिटिव इनवर्स होता है ऐड करेंगे तो आंसर जीरो होगा। अच्छा देखें टू हमारे पास ये है, ये माइनस टू है तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस होगा, दोनों को प्लस करेंगे जीरो। और जीरो क्या होगा, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ये मालूम हुआ कि एक नंबर ले लिया, उसका ले लिया हमने एडिटिव इनवर्स, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर में क्या आया, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये तो बजाय मुख्तसर सी है लेकिन जरा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ और फिगर मतलब एग्जांपल में आप कर लें और फिर जरा मुझे बता भी दे, व्हाट्सएप कर लें मुझे, दो तीन नंबर ले लें आप, इस तरह करें कि थ्री ले लें, माइनस सेवन ले लें, नाइन ले लें और वन बाय टू ले लें, ठीक है, या इसको थ्री बाय टू कर लें, फ्रैक्शन भी ले लें, इनका आपने एडिटिव इनवर्स करना होगा और फिर मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखें अगर हम कोई नंबर लेते हैं फ्रॉम द रेशनल नंबर, ठीक है ना, क्यों हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है, ये अगर हम लेते हैं तो अगर हम टू को वन से मल्टीप्लाई करें, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आएगा, यानी आंसर इंटैक्ट होता है, आंसर अनचेंज, टू वन जार टू आपको पता है। सेम इज अगर मैं थ्री ले लू, थ्री वन जार थ्री, तो वन एक ऐसा फिगर है कि अगर हम किसी फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो अनचेंज होता है, और वन इसलिए हम उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो काफी आपको इंटरेस्टेड लगा होगा, इसमें नई बातें आपको सुनने में आ गई हैं, देखने में आ गई हैं, इसको जरूर प्रैक्टिस करें और मुझे व्हाट्सएप करना होगा, या अगर नहीं आता है तो जरूर मुझसे क्वेश्चन करें। ओके अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।